Hey guys, welcome back to the new video. और आज का जो वीडियो है होने वाला है backhand flick, यानी कि बहुत लोग backflip बोलते हैं. चलो जो भी है, क्या है guys कि बहुत से लोग जो backhand मारते हैं, जो कि मतलब ऐसे लेग के तो जाते हैं, पोजीशन उनका सही रहता है, लेकिन कुछ लोग अपना आर्म से खोल देते हैं जिनकी वजह से उनकी backhand खराब हो जाती है. कुछ लोग ऐसे हाथ करते हैं. तो guys आज मैं सही करके बताऊंगा कि कैसे इसको सही करना है और कैसे क्लियर होगा. तो जो भी है वीडियो में बने रहना और चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब. चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो गाइस जैसे कि हम बोलते हैं बैक हैंड स्प्रिंग, यानी बैक हैंड एंड स्प्रिंग. बैक देन आपका हाथ ऐसे नीचे आएगा हैंड, और इसी में पुश करोगे तो स्प्रिंग जैसा समझो, एक फोर्स आता है स्प्रिंग का. तो मार के बताता हूँ कैसा होता है. तो देखो एक बार, तो ये होता है गाइस बैक हैंड स्प्रिंग. अब कुछ लोग कैसे मारते हैं मैं दिखाता हूँ आपको, तो वीडियो पे देखो. तो गाइस ये बंदा मारने वाला है बैक हैंड स्प्रिंग, यानी कि बैक फ्लिप. इन लोग तो बैक फ्लिप बोलता है, मैं तो बैक हैंड स्प्रिंग बोलता हूँ. तो देखो कैसे मारता है और मैं उसकी मिस्टेक बताऊंगा, तो आप उससे सीखना. तो भाई मारो. हाँ अभी देखो गाइस क्या किया, ये मारा तो सही है, लेकिन हल्का सा जंप लेके हाइट किया पहले, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है. अगर सीख रहे हो तो हाइट लेके सीख सकते हो, लेकिन सीखने जब आपको मास्टर करना है इस चीज़ को, तो हाइट बिल्कुल नहीं लेना पड़ता है. आपकी बॉडी यहाँ से सीधा पीछे जाएगी बैकवर्ड्स की साइड, आपको यहाँ से जंप नहीं लेना है. तो एक बार और मारना. देखो गाइस अभी भी हल्का सा जंप ले रहा है ये, जो कि बहुत ही गलत है. और एकदम मेरी बॉडी को देखना, आपको स्लो मोशन में दिखेगा, तो देखना मैं कैसे लेता हूँ. तो देखो अपने, मैंने पूरी बॉडी को पीछे लिया और अपने हैंड्स को इनवर्ट जाने दिया, मतलब अंदर की साइड आने दिया. उसके बाद हाथ से फोर्स बनाया, जो कि स्प्रिंग टाइप का होता है. ये ऐसे मुड़ता है, ये फोर्स होता है और मैं बॉडी वापस इधर आती है. गाइस जैसे ये होता है, जब आप राउंड ऑफ लेके मारोगे तो आपको एक बैक हैंड स्प्रिंग के साथ पावर जनरेट करना पड़ेगा किसी और फ्लिप के लिए. या तो ट्विस्ट कर सकते हो या तो बैक फ्लिप कर सकते हो. आपको लास्ट में वेरिएशन दिखा दूंगा क्या क्या मार सकता है बैक हैंड स्प्रिंग से. फिलहाल इसको क्लीन करते हैं. तो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक प्रॉपर सेट करना है. नीज को ज़्यादा बेंड नहीं करना है, पहला स्टेप नीज को ज़्यादा बेंड नहीं करना है. देन यहीं से आपको हाथ को स्विंग करते हुए बैकवर्ड जाना है. एंड बैकवर्ड जाने के बाद आपको सोचना है कि हाथ को जितना टाइट रख सको रखो. और यहाँ मेन पॉइंट, हाथ को जैसे ही टच करोगे जमीन को, लैंड को जैसे ही टच करोगे, हाथ को बेंड हल्का सा करना. इतना नहीं कि पूरा आपका हाथ बेंड हो जाए और आप नीचे आ जाए, बिल्कुल हल्का सा बेंड करना, जिससे आपका फोर्स जनरेट हो और आप बैकवर्ड की साइड स्टैंडिंग कर सको. देखो एक बार गाइस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ. पहला बेंड करना हल्का सा, एक पोजीशन बनाना है आपको, देन यहाँ से स्विंग लेना है अपने आप को. देखा हाथ जैसे ही नीचे गया, हल्का सा बेंड हुआ और स्प्रिंग का मूवमेंट हुआ और सीधा मैं खड़ा हो गया. तो गाइस यही है बैक हैंड स्प्रिंग. अब ये थोड़ा सा क्लीन करके बताएगा, मैं दो तीन और वीडियो दिखाता हूँ. तो देखो गाइस आप, तो वेल गाइस देखो ये बंदा मारने जा रहा है बैक हैंड स्प्रिंग. तो देखो एक बार, फिर मैं आपको क्लीन बैक हैंड दिखाता हूँ. देखो गाइस जैसा कि इसने थोड़ा सा फोर्स लिया और थोड़ा सा क्लीन था ये, आप जाके मार के दिखाओ. तो गाइस ये बंदा मारेगा एकदम क्लीन पावर जनरेट करके. तो मारो भाई, ये होता है देखो. तो गाइस देखा आपने जो बंदे ने मारा कितना स्पीडली मारा, क्योंकि उसका सब कुछ क्लीन है, क्लियर कर चुका है. उसको पता है कितना बेंड करना, कितना बैकवर्ड जाना, कितना हाथ को इनवर्ट देना और स्टैंडिंग कैसे करना. तो गाइस अब देखो वेरिएशंस मारता हूं मैं बैक हैंड स्प्रिंग के. तो गाइस राउंड ऑफ सारे वेरिएशंस आएंगे. तो देखो गाइस कितना इजीली हुआ. तो इससे ये होगा कि आप बहुत सारे वेरिएशंस कर पाओगे, ट्विस्ट भी कर पाओगे, बैक हैंड स्प्रिंग से बैक फ्लिप भी मार पाओगे. तो ज़्यादा कुछ नहीं गाइस, इतना ही वीडियो में बताना चाहता था कि आप ना कि हाथ ऐसे रखो, ना कि हाथ ऐसे रखो, ना कि ऐसे रखो. आपको हाथ एकदम स्ट्रेट रखना और इसकी स्ट्रेट में अपने शोल्डर्स की स्ट्रेट में हाथ को रखना, उससे ज़्यादा ना आगे करना ना पीछे करना. तो बस इस मिस्टेक्स को आप लोग क्लियर करो, जिससे आपकी बैक हैंड स्प्रिंग अच्छी हो जाएगी. तो गाइस जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड गाइस. और चैनल न्यू हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाएगी. और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में. तो चलते हैं गाइस, बाय बाय.